इमरान वर्सेस बाजवा, विल द पाकिस्तान आर्मी फाइनली बी डिफीटेड बाय अ गवर्नमेंट, ये है बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो द क्विंट में पब्लिश हुआ है और लिखने वाली हैं गुल बुखारी। मैं उनको वेलकम करता हूं, इस वक्त इंग्लैंड से हमारे साथ वीडियो लिंक पर जुड़ी हुई हैं। वेलकम गुल, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त निकाला। मैं कोई तमहीद देता, आपका जो टाइटल है इस आर्टिकल का वो खुद ही एक तमहीद है कि इमरान वर्सेस बाजवा। और आपने शुरू में बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखी, आपने कहा कि ये जानते हुए कि पाकिस्तान आर्मी सबसे बड़ा हाथी है पाकिस्तान का और इमरान खान जानते हैं, तो उन्होंने क्यों इससे, जिसे पंजाबी में हम कहते हैं, पंगा लेना चाहा? जी, जैसा कि जाहिर है काफी लोगों ने जब ये सवाल किया तो मैं सोचने पे खुद भी मजबूर हुई कि ये क्या हो गया है। और देखें, सबसे बड़ा इसमें जो मुअम्मा था ताहिर साहब, वो ये था कि ये तो उन्हीं के लाए हुए हैं जिनसे पंगा ले रहे हैं, तो ये समझने के लिए लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही थी कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया। बट द थिंग इज के इसमें दो तीन फैक्टर हैं। मेरा ख्याल है कि था तो उन्हीं का प्रोजेक्ट जो लाए थे इमरान खान साहब को, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 साल में कई बार ऐसे वाकयात हुए जिनसे ये बिल्कुल तासुर मिला कि जो इनका एक पेज था वो फट चुका है। बहुत से इश्यूज आए, उस्मान बुज़दार साहब का आया और बाजवा साहब ने मुतादिद मरतबा इनको कहा आर्मी की मिलिट्री कमांड ने कि देखें पंजाब नहीं चल रहा, ये ब्रेड बास्केट है पाकिस्तान की और ये इनको आप चेंज करें ताकि यहाँ पे गवर्नेंस हो सके। वो नहीं किया उन्होंने और बार बार नहीं किया, तो इनके जो इश्यूज थे वो तो चल ही रहे थे। फिर इसी तरह महमूद खान साहब के ऊपर भी ऐसा ही कुछ हुआ। फिर एक बहुत मोटी चीज और थी जिसपे सुना है कि बाजवा साहब इन्हें कहते थे कि आप अब ये जो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं और नैब और ये जो आप इंतकामी कार्रवाइयां करते चले जा रहे हैं ये अब आप बंद कर दें क्योंकि हमें यहाँ पे कंसेंसस चाहिए। आपको याद होगा कि कितना मसला पड़ गया था जब वो क्या नाम था उसका, वो जो पायलट, उसको वापस करना था तो बाजवा साहब नीडेड अ पॉलिटिकल कंसेंसस और ये आदमी तो अगलों के साथ बैठता नहीं था, उनके साथ बात नहीं था करता। और आपको ये भी याद होगा कि जब बाजवा साहब ने उनको बुलाया इस बात के ऊपर कंसेंसस पैदा करने के लिए तो ये दूसरे कमरे में बैठा रहा। तो बाजवा साहब चाहते थे कि ये अब पॉलिटिकल विच हंट बंद की जाए और कुछ चीजें जो हैं वो इस तरह से हों कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो हमारे इंटरेस्ट की चीजें, जैसे बजट पास करवाना होता है, दीगर उन्होंने कोई लॉज पास करवाने हैं तो किसी तरीके से, तो बार बार ये होता था कि सफा फट जाता था। लेकिन फिर क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की मजबूरी थी इनको चलाना, एस्टैब्लिशमेंट एक जहन लेकर आई थी कि हमने इस प्रोजेक्ट को चलाना ही चलाना है। और मेरे ख्याल में ये बात काफी एक ओपन सीक्रेट है कि उनका ख्याल है कि हमने 10 साल ये प्रोजेक्ट चलाना है। सो दे केप्ट एडजस्टिंग, लेकिन जो डिफरेंसेस थे वो बढ़ते चले जा रहे थे और उन डिफरेंसेस की वजह से तल्ख कलामियां भी होती थी, बहुत कुछ होता था। लेकिन मेरा ख्याल है अल्टीमेटली ये हुआ कि ट्रस्ट डेफिसिट इतना पैदा हो गया। मेरा ख्याल है एक चीज ये हुई थी कि बाजवा साहब जो थे उनके ऊपर जो प्रेशर आता था, जो और खास तौर पे जो बात कोर कमांडर्स ने इस मौके पे भी बड़ी स्ट्रांगली बाजवा साहब को कही और बाजवा साहब ने इमरान साहब को कही, वो ये कि हमें अब पाकिस्तान में गालियां पड़ रही हैं और पंजाब जो हमारी बेस है वहां से हमें गालियां पड़ रही हैं और वो आपकी नाहली की वजह से पड़ रही हैं, तो ये भी इशू था। सो आई थिंक मिस्टर बाजवा हैड वाज विलिंग टू लेट गो ऑफ मिस्टर इमरान खान सम टाइम अगो, बट जो जो DGIS आए थे उनके इंटरेस्ट में नहीं था क्योंकि उनका ये ख्याल था कि वो चीफ तभी बनेंगे अगर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। तो वहां से ये खलीज जो है बहुत सीरियस होना शुरू हो गया कि जो दो ताकतवर फौजी थे उनके इंटरेस्ट जो थे वो मिल नहीं रहे थे। और जाहिर है फैज साहब जो थे वो बाजवा ये अपने इमरान साहब की सपोर्ट में थे और वो प्रिवेंट करते रहे कि नहीं अभी इसको टाइम दें, अभी इसको टाइम दें वगैरह। तो बढ़ते 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 बात यहाँ आ गई कि
जो फौजी कयादत है उनको ये डर पड़ गया कि ये हम पे वार करेगा या मुझे मतलब चीफ को निकाल देगा, और इमरान खान को ये डर था कि ये मुझे निकाल देंगे। सो ये जब ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया तो फिर और कोई रास्ता नहीं था अलावा इसके, क्योंकि इस ये आप देखें ना, इट ऑल टर्न्स ऑन, यहाँ पे लड़ाई ये तो नहीं हो रही कि अगला चीफ कौन रहेगा, असल इशू तो ये है कि इमरान खान फैज हमीद को नहीं रिलीज करना चाहते, और उसकी फिर वजूहात है। तो वो जब रिलीज नहीं करना चाहते क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि इसी आदमी ने मुझे सारा कुछ करके दिया, जजों को जो भी करना था मैनेज, मीडिया को मैनेज करना था, सोशल मीडिया को मैनेज करना था, अवाम को मैनेज करना था, फिर सेनेट को मैनेज करना, इलेक्शंस को मैनेज करना, सियासी ले दे करनी, जोड़ तोड़ करा के बिठाना। वो जिसने किया है वो चला गया, तो मेरी पॉपुलैरिटी पहले से भी कम है, तो मैं अब यहाँ कैसे विराजमान रहूंगा? और खासतौर पे मैंने अगला इलेक्शन जीतना है, फिर मैंने वो जो नैब की ऑर्डिनेंस है उसको किसी तरीके से मैंने लॉ में कन्वर्ट कराना है, और आपको पता है लॉ में कन्वर्ट करने के लिए सेनेटर्स को और मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली को काबू करना पड़ता है, तो ये काबू मुझे कौन करके देगा? इसी तरह इलेक्शन कमिश्नर जो मुझे आंखें दिखा रहा है और मेरी मेरे मेरे आगे रबर स्टैंप नहीं बनकर बैठा हुआ, वो उसको सीधा करना है। शौकत सिद्दीकी का केस चल रहा है, तो ये बहुत सारे काजी फैज ईसा साहब हैं, वो सब दुनिया जानती है कि काजी फैज ईसा 2023 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लग जाएंगे, और शेड्यूल में तो 2023 में ही है इलेक्शन, तो वो तो उस तरह की धांधली को सपोर्ट नहीं करेंगे जैसे साकिब निसार ने किया था। तो ही रियली, आई मीन इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ हिज सर्वाइवल, तो इसलिए उन्होंने जो है ये काम कर दिया। आपने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में प्रोजेक्ट लगाने वालों को अंदाज़ा हो गया कि ये आगे नहीं चलेगा, तो इस प्रोजेक्ट का इस तनाज़े के बाद अब मुस्तकबिल आपको कैसे नज़र आ रहा है? मुस्तकबिल बड़ा मुश्किल काम है बताना। मेरे अपना ये ख्याल है कि देखिए, प्रोजेक्ट तो बहुत इमरान से बड़ा है, क्योंकि प्रोजेक्ट इज नॉट इमरान, उस प्रोजेक्ट का फेस इमरान था। तो ये हो सकता है कि प्रोजेक्ट चलाने की फिर भी कोशिश की जाए, जो कि बहुत अकलमंदाना बात नहीं होगी, लेकिन इमरान जो है उसका फेस शायद अब नहीं रहेगा, क्योंकि इसने देखिए सब प्राइम मिनिस्टर्स और आर्मी चीफ्स के इख्तलाफात होते हैं, हेड टू हेड भी जाते हैं, लेकिन पसे पर्दा होता है, पसे पर्दा एक दूसरे की बाजार में जाके और बेइज्जती नहीं की जाती, एक दूसरे को ह्यूमिलिएट नहीं किया जाता। तो आप ये देखें कि जिस तरीके से इमरान खान ने किया ये सारा कुछ, कि उन्होंने आईएसपीआर ने अनाउंस कर दिया, और आईएसपीआर ने एक वजह से अनाउंस किया ना कि कौन होगा नेक्स्ट डीजीआईएसएफ, क्योंकि ये साहब नोटिफिकेशन साइन नहीं कर रहे थे, तो इनको हेम इन करने के लिए उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो जो आपके पास्ट प्राइम मिनिस्टर्स थे वो चुप कर जाया करते थे ऐसी बात पे, फेट अकॉम्पली पे, जैसे टीवी पे अनाउंस हुआ था कि पाकिस्तान ने तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज कर लिया है 1996 में, तो नवाज शरीफ साहब ने बहुत पता पुता कराया कि ये क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन फिर वो पी गए ना आखिर। तो इन साहब ने इस मामले को एक पब्लिक में डर्टी लॉन्ड्री धोने वाला काम किया, जिससे जाहिर है बाजवा साहब की ह्यूमिलिएशन होती है कि, और इसके ऊपर इतने मुजाकरात, इतना लंबा, देखें ये बाजवा साहब इनको सबसे पहले जब उन्होंने समरी भिजवाई थी जनरल फैज उम्मीद की ट्रांसफर की, दैट वाज इन मार्च और अप्रैल 2020, उसके बाद सितंबर 2020, उसके बाद मार्च एंड अप्रैल अगेन 2021, लेकिन जब ये 3 दफा बैठे रहे उनकी समरी पे, और इस दफा फिर ये काफी हुआ, इनको नाम दिए गए, 2 पे इन्होंने कहा मुझे नहीं है कोई, मुझे एतराज है, और तीसरे नाम पे ये चुप रहे, तो उन्होंने फिर एक नाम इनको दिया, और ये जब 2-3 घंटे इन्होंने नहीं किया साइन तो उन्होंने शाया कर दिया। लेकिन अब जब शाया कर दिया था तो इसको किसी और तरीके से लेकर चलते, राइट? लेकिन इन्होंने उनको पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया,
लेकिन अब पब्लिक ह्यूमिलिएशन के अलावा ये तो चलें इसको एक तरीके से देख सकते हैं, लेकिन फिर जो इन्होंने वो जो अभी संडे के दिन एक तकरीब की थी 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, और जिसमें उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई उनकी तकरीम के लिए, उस तकरीब में चलते चलते बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के, बगैर किसी वजह के एकदम से कह बैठे कि खालिद बिन वलीद को हजरत उमर ने निकाल दिया था अपने जनरल को, और वह नहायत अहल जनरल था, कभी कोई जंग नहीं हारा था। तो जाहिर है कि कोई शख्स नहीं है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जो उसको ना समझा समझा हो कि जी इन्होंने साफ साफ एक थ्रेट लगाई है बाजवा साहब को कि मैं आपको निकाल बार करने लगा हूं या कर सकता हूं। तो ये इन्होंने बातें की, तो ये सब आपके सामने है। मेरा ख्याल है बड़े गलत तरीके से इन्होंने चीजें हैंडल की हैं। मुझे नहीं पता इनको मशवरे कौन दे रहा है, अगर कोई दे रहा है और अच्छे मशवरे दे रहा है तो ये उसको ले नहीं रहे हैं। बट थिंग्स आर प्रीटी बैड नाउ, सो गोइंग फॉरवर्ड योर क्वेश्चन वॉज हाउ डू आई सी इट और वेदर मैं इसमें द कुल एक जन और बात भी इजाफा करना चाहता हूँ। आपने बहुत अहम इंकशाफ किया कि प्रोजेक्ट सिर्फ इमरान खान नहीं है, ये तो फेस है। तो फिर अल्टीमेटली प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट जी ये है कि राज हमारा होगा और अवाम का नहीं होगा, अवाम के चुने हुए नुमाइंदों का नहीं होगा। देखिए 2008 में जरदारी साहब की हुकूमत आई, फिर 2013 में पाकिस्तान का पहला पीसफुल सिविल टू सिविल ट्रांसफर हुआ ऑफ पावर, और वो जब हुआ था मैं तभी जरा वो हो गई थी, मैंने मैंने सोचा था कि मैं अगर आर्मी चीफ हूं या मैं टॉप जनरल्स में से हूं तो मैं ये काम दोबारा नहीं होने दूंगी, क्योंकि जब इस तरह डेमोक्रेसी को और साइकिल्स ऑफ इलेक्शंस को चलने दिया जाता है तो डेमोक्रेसी एक्चुअली हकीकी बनना शुरू हो जाती है, उसके रूट्स पकड़ना शुरू कर देती है। और आपने ये भी देखा था कि कितना खतरनाक है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि जो दो पार्टियां थी बड़ी वो मेच्योर हो गई थी, वो एक दूसरे का मैंडेट एक्सेप्ट करती थी, एक दूसरे के साथ चल रही थी, तो एक वो कोई मतलब एक दो तीन भोंडी हरकतों के अलावा 2008 से 2013 और 2013 से जब तक नवाज शरीफ रहे एक दूसरे के ऊपर हमलावर नहीं होती थी, एंड इट गोज बैक टू द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी व्हिच वाज डन बिटवीन नवाज शरीफ एंड बेनजीर भुट्टो, एंड दे हैड डिसाइडेड कि भाई हम जब लड़ते हैं और फौज के सहूलतकार बनते हैं तो फायदा तो तीसरी पार्टी लेती है। हालांकि बीच में इन्होंने किया कुछ, जरदारी साहब ने पंगा लिया एक पंजाब में गवर्नर राज लगा के, नवाज शरीफ साहब फिर इनके खिलाफ गए उसमें मेमो गेट में, तो लेकिन फिर सॉरी सॉरी करके वापस भी हो गए। जब जरदारी साहब के ऊपर तारुल कादरी का हमला करवाया गया था तो आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब सारी की सारी ऑपोजिशन, यानी अमेजिंग था कि जमात इस्लामी क्या और फलां क्या और एमक्यूएम क्या, मतलब एएनपी क्या, जेयूआई क्या, बड़ी छोटी सब पार्टियां लेके सबको इकट्ठा करके ढाल की तरह खड़े हो गए थे जरदारी साहब की, उन्होंने हुकूमत बचाई थी, और यही काम जरदारी साहब ने किया था 2014 में असेंबली में जाकर, और सारे बैठ गए थे और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को उन्होंने प्रोटेक्ट किया था, जमहूरियत को प्रोटेक्ट किया था। तो ये चीज बड़ी खतरनाक थी। और आपने इन अदवार में ये देखा कि जरदारी साहब के दौर में आपने देखा कि पहली दफा एक आर्मी चीफ और एक DGISI की पेशी होती है नेशनल असेंबली में टू कम एंड एक्सप्लेन द ओसामा बिन लादेन अटैक। फिर आपने देखा 18वीं तरमीम हो गई, फौजियों को समझ ही नहीं आया था कि हमारे साथ हुआ क्या, उसमें भी सारी असेंबली ने बड़े मुत्तफिका तरीके से यूनानिमसली पास की थी। फिर आपने नवाज शरीफ की हुकूमत में देखा कि एक फौजी आमर को बजाय गन सलूट देने के या उसको यानी अदालत में ले गए, अदालत में ले गए, तो ये तो पहले नहीं होता था, अदालत तो नहीं ले जाया जाता था। तो आहिस्ता आहिस्ता जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी वो मजबूत हो रही थी। तो प्रोजेक्ट ये था कि ये काम नहीं चलेगा, ये हमारी बादशाहत है यहाँ पे और हम
इस तरह का सिस्टम रखेंगे जिसमें अथॉरिटी हमारी होगी, एंड द सिविलियन पावर हैज टू बी कट डाउन, द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स पॉपुलर पार्टीज नहीं होंगी, क्योंकि पॉपुलर पार्टीज पर बड़ी स्ट्रांग हो जाती हैं. सो वी हैव टू पुट इन प्लेस पीपल हु हैव नो पॉपुलैरिटी सो दैट वी आर द रियल पावर ब्रोकर्स. बहुत आपने अहम बात की कि जो प्रोजेक्ट था वो आर्मी का राज करने का था। आर्मी हमेशा से राज करती रही, मगर आपने बहुत अच्छे इशारे दिए कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का जैसा तैसा भी सफ़र रहा, पार्टियां मेच्योर हुई, एक दूसरे के साथ काम करना शुरू किया। अब मैं इस नुक्ता की तरफ आता हूं गुल, कि ये जो अभी एक तरह से डिस्टेंस बना है या खलीज बनी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और बाजवा के बीच में, ये खलीज बाजवा और फैज़ हमीद के बीच में भी तो बनी है। फैज़ हमीद कोई अकेले तो नहीं है, उनके पीछे भी आर्मी का एक फैक्शन है। तो आप इस खलीज को कैसे देखती हैं? जी, ये मेरा ख्याल है ये सबसे खतरनाक खलीज है. क्योंकि देखिए, पहले भी फौज के अंदर से, फौज के सिपा सलार के ऊपर हमले आए, जूनियर ऑफिसर्स ने कू करने की कोशिश की, फिर जैसे मुशर्रफ के ऊपर हमले हुए, फिजिकल कातलाना हमले, वो भी फौज के अंदर से हुए थे. जीएचक्यू पे जो अटैक हुआ था, और इनफैक्ट जीएचक्यू कितने घंटे, 12 पता नहीं क्या, इस तरह से उसमें भी फौजी शामिल थे. लेकिन इस तरह की खलीज हमने, मेरा नहीं ख्याल कि हमने माजी में देखी है कि एक आईएसआई का चीफ एक तरफ हो जाए और जो जो आर्मी चीफ है वो दूसरी तरफ हो जाए. ये बहुत खतरनाक खलीज है. और मैं जाती तौर पे नहीं जानती, हर एक की अपनी एक कंस्टिट्यूंसी होती है फौज के अंदर, हर जर्नल की, लेकिन मैं नहीं जानती कि फैज साहब की कितनी स्ट्रांग है और कितनी वाइड स्प्रेड है. लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि अगर शायद एक आध ना भी हो साथ, लेकिन जो कोर कमांडर्स हैं वो डेफिनेटली जनरल बाजवा के साथ अलाइंड हैं. एंड 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 आई डोंट सी दिस फेवरेबली. इट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री, इट इज नॉट गुड फॉर वेयर एवर वी विल गो इन द फ्यूचर. ये बहुत खतरनाक चीज हो गई है. पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है वो अफगानिस्तान की सिचुएशन के साथ जुड़ी हुई है, और इस तरह के हालात जो पॉलिटिकल टर्मोइल की सूरत हाल में पाकिस्तान में देखनी पड़ रही है, उसका अफगानिस्तान के हुकूमत है उससे क्या रिलेशन बनेगा और क्या इम्पैक्ट आएगा? जी, मेरा ख्याल है इम्पैक्ट हमने पिछली दफा भी देखा था और ऑलरेडी हम देख रहे हैं. पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जो जो उनको हुसैन हकानी साहब भी कहते हैं, मैं भी कहती हूँ, उन्होंने तो पूरा मजमून इस उनवान से लिखा था, दैट दिस, ये जो व्हाट इज हैपेंड इन अफगानिस्तान इज अ पिरिक्विस विक्ट्री फॉर द पाकिस्तान आर्मी, राइट. आपने बिठा तो दिए वहां तालिबान, जो आप समझ, ये कहकर या ये सोचकर या ये मान करके, ये हमारी प्रॉक्सीज हैं, अब ये हमारा पांचवा सूबा बन गया है. लेकिन आप देख ही रहे हैं कि वो प्रॉक्सी आपको उल्टा आंखें दिखा रही है, और आंखें भी दिखा रही है जिस तरह, मतलब उन्होंने तो आपके साथ इतना लंबा हाथ कर दिया है कि आप थे, देखिए वो सैटेलाइट स्टेट थी ना, और आपके आपकी वो रेंटियर स्टेट आपने बनाई. तो आप कहते थे कि जी अफगान हुकूमत जो है वो तालिबान से निगोशिएट करे, वहां आपने तालिबान बिठा दिए, और अब वो वाले तालिबान कहते हैं कि जी आप टीटीपी से निगोशिएट करें, हम तो इनको कुछ नहीं कहते. तो ये आपके साथ हुआ क्या है? और फिर वहां उनके कोई जनरल साहब हैं, वो रोजाना जिस किस्म की स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के खिलाफ देते हैं जो तालिबान हैं, तो आपको नजर ही आ रहा है कि वो आपके काबू में नहीं रहे. फिर उन्होंने, आपने हमेशा चर्चा किया कि जी अफगानिस्तान में तो जो टीटीपी है उसको एनडीएस, अशरफ गनी, रॉ इंडिया, ये लोग सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करवाते हैं. लेकिन ये भी तो एक हकीकत है कि जब तालिबान ओवररन कर गए काबुल, तो गनी साहब की हुकूमत ने कुछ 5-6 हजार टीटीपी के बंदे अंदर किए हुए थे, वो तो तालिबान ने आकर छोड़े ना. तो आपका सारा कुछ जो था वो बीच चौराहे
हड्डियां जो थी फूट गई, एक आपके नैरेटिव की फूटी और दूसरा अब आपके ऊपर जो हमला आ रहा है, आपने रिसेंटली देखा है कि टीटीपी के हमले पाकिस्तान पे कितने ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, तो ये असर तो जाहिर है आएगा। और आपका ख्याल था कि आपने अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे एक सिक्योरिटी हासिल कर ली है, वहां से अब बस ठंडी हवाएं आएंगी, इंडिया निकल गया है, अब वहां से ठंडी की बजाय दोजख वाली हवाएं आ रही हैं, तो वो भी आपने उल्टा ही काम किया, तो फंसे पड़े हैं अब जी। आई डोंट थिंक इट कैन हैव। और फिर एक्सट्रीमिज्म एकदम से, और वहां से अटैक्स, इनका तकवियत पाना, टीटीपी का तकवियत पाना, टीटीपी इनको किस तरह मुंह तोड़ जवाब दे रही है, इनको अंदर से देखें, ऊपर से जो मर्जी कहें, अंदर से इनको बखूबी अंदाजा है कि टीटीपी अब हमें मारेगी। तो सबसे पहले सदरे पाकिस्तान से ऐलान दिलवाया गया कि जी हम एमनेस्टी दे देंगे, आप बस हमें हमारी रिट मान ले। फिर शाह महमूद, नहीं किसी और ने ये बात कही, किसी वजीर शजीर ने सदरे मुमलिकत के बाद। तो अगर आप उसकी ट्रांसलेशन करें तो देखे ना, ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू आप एमनेस्टी क्यों दे रहे हैं? उसकी ट्रांसलेशन ये है कि प्लीज हमें एमनेस्टी दे दो, हमें ना मारना। और उसके पीछे एक चीज और जो आपको नजर आती है वो ये है कि हमारी जो रियासत है वो टीटीपी से लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि टीटीपी जो है वो बहुत कमजोर हुई थी 2014 के बाद, लेकिन अब वो रिसर्जेंट है। उसके जितने फैक्शंस छोड़कर इधर से उधर चले गए थे, वो ये जो लेटेस्ट सरबरा टीटीपी के आए हैं, उन्होंने उनके आने के बाद 2018 के सितंबर के बाद से नौ फैक्शंस ने वापस ज्वाइन कर लिया है, और वो स्टेटमेंट्स देते फिर रहे हैं। इनफैक्ट उनकी एक स्टेटमेंट आज भी आई है, जब आपने एमनेस्टी का ऐलान किया तो वो कहते हैं माफी, हमें किस चीज की एमनेस्टी आपने देनी है, किस चीज की माफी देनी है, माफी तो हम आपको नहीं देंगे। तो अफगानिस्तान के ये असरात हैं। तो अब एक जो स्लीपिंग डॉग्स थे जो लाए कर रहे थे, वो भी आपने जाके जगा दिए, अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर ली है। और आपने आपने कहा कि जो इंटरनल, जी सॉरी जी नहीं मतलब जो देखे ना, इंटरनल आपके प्रॉब्लम्स हैं, फिर आपके इंटरनेशनल मुख्तलिफ ममालिक के साथ इश्यूज हैं, उसमें ये एक इशू और आके ऐड हो गया। सो यू नो, यू रियली पुट योर सेल्फ बिटवीन द रॉक एंड द हार्ड प्लेस। जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर मुकर्रर किया गया है, और ये एक तासर पाया जाता है कि जनरल फैज़ हमीद के तालिबान के साथ अच्छे रिश्ते हैं या अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो तब्दीली है ये असल में जनरल फैज़ हमीद की बेहतरी के लिए है। ये एक दूसरा नैरेटिव है कि उनको जो वो एकदम से दुनिया की आंखों में आ गए थे काबुल का रीसेंट दौरा करने के बाद, उनको ISI की बजाय पेशावर का कोर कमांडर लगाया गया और वहाँ से वो मैनेज करेंगे अफगानिस्तान के मैस को। इस नैरेटिव को आप कैसे देखती हैं? जी मेरा ख्याल है नैरेटिव है बिल्कुल, लेकिन इसमें मुझे कोई बहुत हकीकत नजर नहीं आती। जो मैस हो गया है, अब उन्होंने उसको क्या हैंडल करना है मुझे बता दीजिए। जो भी हैंडलिंग होती रही है आज दिन तक, आज भी वो DGISI है, क्या हैंडलिंग हो रही है वहां पे? जो चीजें हमारी अफवाज ने अमेरिका को प्रॉमिस की थी कि जी मॉडरेट लोग आएंगे और इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, औरतों के राइट्स होंगे, फला होगा, कुछ भी नहीं हो रहा ना जी। क्या मैनेज हुआ इनसे? तो पेशावर बैठ के क्या मैनेज कर लेंगे जो वो पिंडी बैठ के मैनेज नहीं कर सकते थे? तो ये कहने की बात तो जरूर है। बल्कि वो जब काबुल के सरीना में चाय पीते हुए उनकी आई थी वीडियो, उसमें दुनिया भर में बहुत उसमें रिएक्शन आया है, बहुत सख्त रिएक्शन आया है कि ये वहां हुकूमत बनाने गए हुए थे, और इनके जाने के बाद वहां पे जो हुकूमत बनी उसमें जो हकानी नेटवर्क है उनके तगड़े और विद बाउंटीज ऑन देयर हेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो लोग सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट्स पे जाकर बैठे हैं।
तो वो भी इंटरनेशनली स्पीकिंग इनके फैज हमीद साहब के खाते में डाला जा रहा है। तो मैं नहीं, जाती तौर पे मैं नहीं समझती कि इनको पेशावर इसलिए भेजा गया है कि ये अफगानिस्तान को बेहतर हैंडल कर लेंगे। अफगानिस्तान का मैस तो किसी और ही लेवल का है। बेसिकली इनको पिंडी से दूर किया गया है। और प्राइम मिनिस्टर, देखिए ना, एज अ DGISI यू यू आर रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर। यू कैन मीट हिम एनी टाइम, डू एनी थिंग, एंड यू हैव एक्सेस टू मेनी अदर थिंग्स जो जो पोलिटिकल चीजें होती हैं। वेयर इज एज कोर कमांडर पिशावर, आप इनके बाजवा साहब की इजाजत के बगैर किसी से मिल भी नहीं सकते, तो आप एक जगह पे महदूद हो जाते हैं। और मैं मिलिट्री मैटर्स इतना अच्छा नहीं जानती, लेकिन जो जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मैंने पूछा है, समझा है, और वो कहते हैं दैट इट इज नॉट कंसिडर्ड वन ऑफ द बेटर और द इम्पोर्टेंट कोर्स। सो क्लियरली जो जो परसेप्शन है इस वक्त कोर कमांडर्स की एंड देयर फॉर ऑल्सो बाजवा साहब, उसकी वजह से उनको साइडलाइन लगता है कि किया गया है एज अ फर्स्ट स्टेप। एक बहुत अहम सवाल जो उठता है वो ये है कि बहुत अरसे से नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ दोनों ही जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर इन पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं, और पीछे तो मियां नवाज शरीफ जनरल बाजवा का भी नाम लेते थे, अब नाम नहीं ले रहे, और बल्कि अब ये भी खबर आई कि शायद उनकी कोई बातचीत भी हो रही है जो कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में समझी जा सकती है कि ये एक नेचुरल रवैया है। आप इस सारे खेल को कैसे देखती हैं कि ये जो अब तब्दीलियां हो रही हैं, जो बाजवा इमरान की जो डिस्टेंसिंग हो रही है, इसमें मरियम नवाज, नवाज शरीफ या दूसरी अपोजिशन पार्टियों का क्या मुस्तकबिल होगा और क्या रोल होगा? अच्छा, जो अगर कोई बातचीत चल रही है तो ऑब्वियसली मेरे पास इतला नहीं है, लेकिन आई थिंक इट वुड बी द मोस्ट नेचुरल थिंग फॉर अ पॉलिटिशियन हु इज इन मियां नवाज शरीफ्स पोजीशन और मरियम नवाज़ पोजीशन टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस, यू नो, ये जो 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 खलीज पैदा हो गई है, जो उनको नजर आ रही है, तो उनके तो अगर वो एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं तो वो तो उसका फायदा बिल्कुल उनको उठाना चाहिए, और वादियों नजर ऐसा लग रहा है कि वो उठा भी रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जितने भी ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस हैं, और उसमें जाहिर है नवाज शरीफ शामिल हैं, जिनको जिनको बाहर फेंका गया, जिनको विक्टिमाइज किया गया और जिनके खिलाफ केसेस हैं, जिनको इलेक्शन में वापस नहीं आने दिया जा रहा, उनके खिलाफ एक ट्रॉयका था, इमरान, जनरल फैज एंड जनरल बाजवा। तो जाहिर है अगर वो ट्रॉयका को टूटता हुआ देखेंगे तो वो उसका फायदा उठाएंगे, बिकॉज दैट्स हाउ यू स्टार्ट। ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि आप कोई जादू की छड़ी चलाएंगे या कोई ऐसी मुहिम चला देंगे कि इनकलाब आ जाए और सारे का सारा जो है वो हवा में उड़ जाएगा। तो उसमें अगर खलीज पैदा, बल्कि आप पॉलिटिशियन का काम है कि वो खलीज पैदा करे, ये तो हमें नजर आ रहा है कि वो उन्होंने पैदा नहीं किया, पैदा तो इमरान खान वगैरह ने, सब आपस में इन लोगों ने, इनके अपने पर्सनल एम्बिशंस ने खुद ही पैदा कर लिया। तो ये तो नजर आ रहा है कि उसका फायदा उठाया जा रहा है, और इसको डीपन शगाफ को करने की नेचुरल है कि वो कोशिश करेंगे, और लग भी ऐसा रहा है कि ऐसा हो रहा है कि ये टूटे, फिर बाकी देखेंगे। जो एक सफ़े पे थे बाजवा और इमरान, वो एक सफ़े पे नहीं रहे। पाकिस्तान आर्मी अब आगे कैसे चलेगी वो हम कुछ एंटिसिपेट कर सकते हैं उनके माजी के जो मुख्तलिफ अकदामात रहे हैं, लेकिन इमरान खान और तहरीक इंसाफ की ब्रास जो है वो इस क्राइसिस को आगे कैसे डील करेगी या कैसे इसको हैंडल करेगी? क्योंकि ये सवाल भी उठ रहा है या एक नैरेटिव ये भी है कि शायद ये जो धुआं उठ रहा है ये बैठ जाए, ऐसा आपको नज़र आता है? एक, और दूसरा, अगर नहीं नज़र आता तो ये फिर इस मैस को आगे कितना और मैसी करेंगे? जी, पहले जो आपका पहला वाला सवाल है कि जी जो एक पेज था वो अब एक नहीं रहा,
उस पे मैंने शुरू में भी आपसे कहा था कि वो पेज पहले भी फटता रहा, लेकिन उस पे गोंद और चिप्पियां लगा दी जाती थी। लेकिन इस दफा अगर मैं आपसे ये इस्तेमाल इस्तेमाल करूं कि अगर एक वो जो पेज था उसको अगर आप श्रेडर में डाल दें, तो इस वक्त वो हालत है। ये अब इसको चेपी नहीं लग सकती, श्रेडर में इतने छोटे छोटे पतले पतले पीसेस हो जाते हैं। सो दिस इज आई डोंट थिंक के अब जो बाजवा साहब और इमरान हैं तो वो पेज तो अब जुड़ नहीं सकता। तो इमरान खान साहब के लिए बिगिनिंग ऑफ द एंड तो नजर आ रही है। आपका दूसरा सवाल क्या था? जी, दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था कि इस मैस को इमरान खान और उनके साथी वो अब मजीद मैसी कैसे बनाएंगे? जी बहुत अच्छा सवाल है जिसका मेरे पास बिल्कुल कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर आप आज ही का दिन ले लें और कल ही का दिन ले लें, तो देख रहे हैं आप कि वो किस तरह मजीद मैसी बना रहे हैं। दे आर नॉट पुटिंग एन एंड टू इट। मंडे के दिन करना था, नहीं किया। ट्यूसडे के दिन करना था, नहीं किया। ट्यूसडे के दिन कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि हमारी तवील मीटिंग हुई है मंडे की रात को और सब कुछ तय हो गया है, सब कुछ लीगल तरीके से होगा, सब ऐसे होगा और बिल्कुल होगा और कोई कुछ भी नहीं है मसला। तो उस कैबिनेट मीटिंग में फिर बातचीत हुई। अब कैबिनेट मीटिंग वाज द परफेक्ट टाइम कि उस मीटिंग के बाद आप कहते हैं कि जी हमने ये हमारे पास है और हमने मशावरत किया और प्राइम मिनिस्टर ये अनाउंस करें, नहीं किया। फिर बात आज बुध के दिन पे आ गई और बुध के दिन यानी दोपहर के टाइम से कहा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से कि हमारे पास ये समरी है और ये तीन नाम आए हैं फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आई बिलीव। तो भाई अगर आए हैं और आपने कह दिया है कि मैं इन तीन नामों में से करूंगा, तो आप कर चुके हैं बीच में से। अब ARY की खबर आ गई है कि जी प्राइम मिनिस्टर कल करेंगे। तो ये इसको जो लटका रहे हैं, ये इस मैस को इस तरीके से बिगाड़ रहे हैं। अगर कुछ भी इसमें से सैलवेज हो सकता था तो ये आई थिंक देयर इंश्योरिंग के कुछ सैलवेज हो ना सके। आज मैं कहीं एक खबर देख रही थी कि ये सिलसिला कुछ 20-25 दिन इस तरह शुरू हुआ कि पहले के उसके कोई इनको बात की गई इमरान खान साहब को और इन्होंने फिर अपने वजीरों और एक आधे गवर्नर और मुशीरों के साथ बैठकर कहा कि मैंने ये तरीका सोचा है बाजवा को न्यूट्रलाइज करने का कि 6 महीने मार्च तक मैं फैज को रखूं और उस वक्त मैं उसको चीफ बना दूंगा और इनको अर्ली रिटायर कर दूंगा। तो अगर ये बातें सारी निकल आती हैं और निकल आई हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इसको अब ये जो जिसे रायता कहते हैं शायद कि रायता जो फैल गया ये अब इनसे सिमटेगा नहीं। तो अब तरीके जो हैं बहुत सारे हैं। आई डोंट नो कि कौन सा तरीका होगा जो इस्तेमाल में लाया जाएगा। ज्यादातर लोग समझते हैं कि इन हाउस चेंज से बात शुरू होगी और फिर वहां से फिर कोई इंटरिम हुकूमत आएगी और फिर इलेक्शन होगा और फिर इस तरह से मामला आगे चलेगा। सो दीज आर द स्पेकुलेशंस। उसके अलावा वैसे तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब इतने कमजोर हैं कि उनकी इन हाउस गिराना कोई मुश्किल काम नहीं है हुकूमत, लेकिन उनके जेन्युइन केसेस कितने सारे हैं जो कि अब तेजी के साथ खुल सकते हैं जब उन्होंने इतनी एक लड़ाई को पर्सनल और बढ़ा दिया है और पब्लिक कर दिया है, तो अब लगता है कि उनके खिलाफ केसेस भी खुल जाएंगे। तो ये आई डोंट थिंक दैट देर इज गोइंग टू बी अ गुड एंडिंग फॉर एनीवन। एक बात इस सारी गुफ्तगू में से मुझे निकलती नज़र आ रही है, वो ये कि इमरान खान के सपोर्टर जो जनता में से हैं, अवाम में से हैं, वो पाकिस्तान में बहरहाल हैं और वो बहुत ही वोकल हैं, और पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं उनमें तो इमरान खान के सपोर्टर कुछ ज़्यादा ही हमें नज़र आते हैं वोकल होने की वजह से। तो ये जो सारे का सारा आगे मैस क्रिएट होगा, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे कितना असर अंदाज होगा? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि मेरा ख्याल में जो
इमरान खान के सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, और जो पाकिस्तान सॉरी इमरान खान के सपोर्टर्स हैं डायस्पोरा में, उनमें बड़ा डिस्टिंक्ट फर्क है। डायस्पोरा में उनके वाकई सपोर्टर्स मेजोरिटी में हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो सपोर्ट बहुत 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 ज्यादा गिर गई है। और ये जो जो आपको लाउड वॉइसेस नजर आती हैं, एम्पलीफाइड वॉइसेस हैं, अगर आप नोट करें तो आपको अगर आज कोई गाली देगा जो इमरान खान के बिहाफ पे दे रहा है, तो उसने अकाउंट बनाया है अक्टूबर 2021 में। सो दिस इज अ मैन्युफैक्चर्ड श्रिल नैरेटिव, क्योंकि अगर आप आम लोगों में, अपने अहबाब में पाकिस्तान में बात करें, आपको हर बंदा कोई 10 आदमी बताएगा कि यार मेरा इतना यूथिया दोस्त, इतना यूथिया दोस्त इतनी गालियां देता है, इतनी गालियां देता है। मैं खुद भी पर्सनली, मैं लोगों से बात करती हूँ तो हर एक के पास दर्जनों एग्जाम्पल्स हैं। तो सपोर्ट बेस जो इनकी है वो, उसकी आंखें खासी खुली हैं, और इनकी जो सबसे बड़ी सपोर्ट बेस थी, जो पाकिस्तान आर्मी थी, जो ताकतवर सपोर्ट बेस थी, जो जेन्युइनली इनको बड़ा पसंद करते थे, आज आप उनसे भी, उनके मुंह से भी गालियां सुन लें, जो मेजर्स हैं, कर्नल्स हैं, कैप्टन्स हैं, ब्रिगेडियर्स एंड जनरल्स हैं, आप उनसे सुन के देखिए, जो रिटायर्ड हैं उनसे सुन के देखिए कि कैसे लोगों की तब्दीली जो है वो जो आई हुई थी वो चली गई है। तो पाकिस्तान के अंदर इतनी सपोर्ट बेस नहीं है। अच्छा, फिर एक मखसूस तबका है जो बेसिकली इमरान खान की का सपोर्टर नहीं है, वो एक उसका है फस्ताइयत का सपोर्टर है। वो वही लोग हैं जो मुशर्रफ के सपोर्टर थे, जो इस तरह की चीज को, आपने देखा होगा कि पिछले 7-8 दिन जब से तनाज़ा खड़ा हुआ है, खामोशी थी, कोई ट्विटर ट्रेंड्स नहीं थे, कोई गालियां नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि वो जेन्युइन इमरान सपोर्टर्स नहीं है। वो सिर्फ ये देख रहे थे कि ये वाली साइड को करना है कि इस वाली साइड को करना है। सो दे डोंट हैव एन आइडियोलॉजी, दे डोंट फॉलो इमरान फॉर एन आइडियोलॉजी, दे नो दैट द बूट इज बिहाइंड हिम। अब वो जो बूट है, वो जो बूट फट गया है, तो वो देख रहे हैं कि कौन से वाला, राइट पांव वाले बूट को सपोर्ट करना है कि इनमें से जीतेगा कौन। तो इतनी जो मैन्युफैक्चर्ड सपोर्ट होती है, मेरा ख्याल है वो उतनी ही आसानी से जिसे कहते हैं ना, मेल्ट अवे भी कर जाती है। कंक्लूड करते हुए आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग और बामानी गुफ्तगू, आप कुछ ऐसी बात ऐड ऑन करना चाहेंगी जो समझती हो कि आपके आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में या हमारी गुफ्तगू में अब तक मिस हो रही थी? जी, मेरा ख्याल है कि एक चीज हमने शायद डिस्कस नहीं की कि ये जो मैंने इशारा किया था कि इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने ये तकरीब में जो रसूल अल्लाह और 12 रबीउल अव्वल के अशरा जो उसकी तकरीबात की, और फिर आपने देखा कि दो तीन चीजें ऐसी हुई, जैसे वो जो साद रिजवी हैं उनकी बड़ी अजीबो गरीब रिहाई हुई, कि हुकूमत ने अपना रेफरेंस वापस ले लिया, वो रिहा हो गए, फिर वो उनके बड़े सेलिब्रेटली जुलूस निकले। अब इसकी टाइमिंग आप देखें तो मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ कि ये जो इमरान खान साहब हैं, इन्होंने पिछले इलेक्शन में भी यूज किया था ये ब्लास्फेमी और रिलीजन कार्ड। इनके पोस्टर्स के ऊपर मुमताज कादरी की तस्वीर होती थी और नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था। फिर उससे पहले 2017 में जब टीएलपी ने धरना दिया था, तो उस वक्त भी ये कहते थे कि मेरी पार्टी और मेरे तो जो मेंबर्स हैं, हम तो जाके उस धरने में बैठना चाहते हैं। आपको ये इनके अल्फाज याद होंगे। तो ये बड़ा अजीब सा मामला था कि बगैर किसी और चीज के एक रेफरेंस लेते हैं वापस, एट द हाइट ऑफ बाजवा एंड इमरान स्टैंड ऑफ, वो आदमी बाहर आ जाता है। और ये वो आदमी है, ये वो आदमी है, साद रिजवी वो आदमी है जिसके वर्करों को इतनी बहिमाना तरीके से पुलिस ने और फोर्सेस ने उनको क्रश की थी, उनकी उनकी उनके जो थे, जो भी उनकी मूवमेंट थी, जब साद ने धमकी दी थी कि हम मुल्क गिर प्रोटेस्ट करेंगे अगर आपने फ्रेंच एम्बेसडर को ना निकाला, तो किस कदर हुकूमत ने यानी बिल्कुल आयरन फिस्ट के साथ मार पिटाइयां करके
और इनको जेलों में भर दिया था और साद को भी जेल के अंदर डाल दिया था और प्रोटेस्ट्स को क्रश किया था। ये तब था जब उसने सर इमरान खान के खिलाफ उठाया था, लेकिन आज उसी आदमी को बाहर लेकर आए हैं। तो खदशा ये है कि इमरान खान साहब मजहब का कार्ड शायद इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इस तैयारी में हैं। और देखिए, मतलब इस तरह की बात कि उन्होंने वो जो अथॉरिटी बना दी है, अब अगर इमरान खान साहब को कोई निकालेगा या कोई उनको उनकी हुकूमत गिराएगा, तो वो ये कह सकते हैं ना कि क्योंकि मैं नामूसे रिसालत का कस्टोडियन बन चुका हूँ, क्योंकि मैं नामूसे रिसालत की दफा करता हूँ, क्योंकि मैं खत्मे नबूवत का दफा करता हूँ, इसलिए मुझे जो कोई कादियानी फोर्सेस हैं उन लोगों ने मुझे निकाल दिया है। तो इसकी जरा एक अंदेशा मिल रहा है कि वो इस तैयारी में ये तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमने डिस्कस नहीं किया था, ये सबसे डेंजरस बात है, सबसे डेंजरस बात है और सबसे गलत बात है। और आपको मालूम है कि इस तरह की एक कैंपेन बाजवा साहब के पहले के ऊपर चल चुकी है, और वो चली थी जब इनको नॉमिनेट किया गया था फॉर द पोजिशन ऑफ COAS, और फिर उसके बाद उसकी तफ्तीश हुई थी, और फिर बड़ी अद्भुत होगा कि उनका नाम क्या था, जनरल रिजवान अख्तर, जो उस वक्त के DGISI थे, फिर उनकी बड़ी अब्रप्टली रेजिग्नेशन ली गई थी और उनको रिटायर किया गया था। तो ये कोई अचंभे की या कोई ऐसी बात नहीं, कोई नई बात नहीं होगी, कोई अजब की बात नहीं होगी कि अगर इमरान खान साहब इस तरह का भी कोई घटिया, नीच और खतरनाक काम करने का दोबारा सोच रहे हैं। उन्होंने नवाज शरीफ पे ये कैंपेन चलाई हुई है, जब एहसन इकबाल को गोली लगी, जब स्याहियां फेंकी गई, नवाज शरीफ को जूता मारा गया, बिल्कुल TLP का इस्तेमाल पहले हो चुका है, होता आया है। और इनको इस वक्त पे साद उसको बाहर निकालना और बड़े अच्छे तरीके से इनको अपने सेलिब्रेशंस करने देना आपको एक इशारा जरूर देता है। चलते एक और बात जो मैं समझता हूँ कि शायद हम मिस कर गए, जो जी अहम जी है वो ये है कि इमरान खान डिलीवर नहीं कर सके जो एस्टेब्लिशमेंट या जो लाने वाले इनको समझते थे कि डिलीवर कर सकेंगे। एक तो ये वजह भी हमें नज़र आती है कि ये जो पेज अब एक नहीं रहा, और दूसरी वजह ये भी है कि इमरान खान को भी अंदाज़ा हो गया कि अब मुझे ये बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो वो एक बार से फिर फौजी शहीद, मैं तो फौजी शहीद ही कहूँगा, सियासी शहीद नहीं कहूँगा, फौजी शहीद बनना चाहते हैं। ये एलिमेंट आप कैसे देखती हैं? जी, मेरा ख्याल है शहादत बड़ी मुश्किल है, लोग जितने तंग आए हुए हैं, राइट? लोग देख रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, उनकी उनका रुपया जो है अब तकरीबन डबल पे, 105 पे छोड़ के गए थे डार साहब, मेरा ख्याल है मिफ्ता ने 115 कर दिया था, आज 173 पे है, और ये अभी चंद दिन की बात है कि ये 200 पे पहुंच चुका होगा। तो लोग तो देख रहे हैं कि वो खा नहीं सक रहे, पेट्रोल प्राइसेस, आटा, बिजली। ऐसा आदमी, और देखिए शहीद एक जमाने में लोग बना करते थे, सोशल मीडिया नहीं था। आजकल आप, बड़ी मजे की बात आपसे कहूं, आप जो है ना देखें सोशल मीडिया के ऊपर, अगर नवाज शरीफ को गाली दिलवाई जाती थी उसके खिलाफ धरनों में, आपने कौन से लोग देखे थे? आपने इलीट देखे थे। और आज इमरान खान के खिलाफ जब आप प्रोटेस्ट देखते हैं, जो आप छोटे छोटे बच्चों के गाने सुनते हैं, जो आप वॉक्स वॉक्स देते हैं कोई भी बाजार में किसी बूढ़ी औरत से, किसी दुकानदार से, किसी आम आदमी से, तो इमरान खान को आप जब देखेंगे उसको गाली गरीब आदमी दे रहा है, आवाम दे रही है। तो फर्क यह है कि जो जिन लोगों को आप देखते हैं जो नवाज शरीफ को गालियां देते हैं, वो इलीट क्लास में से हमेशा आपको मिलेंगे। वो जो एक खोड़ू नाम का लड़का था, काली अनके पहन के और बाल खड़े करके इस्लामाबाद में कहता था कि हमें पुलिस धक्के देगी तो तब्दीली कैसे आएगी, और जो बेगमात आप देखते थे जलसों में, जो आप अपर क्लास की इलीट देखते थे, तो नवाज शरीफ को गाली पड़ती थी इलीट से और इमरान को पड़ती है गरीब से। वर्कशॉप पे चले जाएं, दुकानदार पे चले जाएं, किसी पे चले जाएं, आम पुलिस वाले के पास चले जाएं, नॉर्मल आदमी जिसने कमा के खाना है, शहीद बनना बड़ा ही मुश्किल है, शहीद नहीं है बनते। और देखें इस वक्त आवाम को कितनी अवेयरनेस है कि शहीद वो होता है कि जो अपना वोट लेके आया और उसको कोई कार करके गिरा दे। आज कौन नहीं समझता कि इसको लाया गया है।
मैं तो देखती हूँ कि गांव में भी घरेलू औरतें भी इसके लाने वाले को गालियां दे रही होती हैं। और हमारे शहरों में भी आम आदमी इसके लाने वालों को तो देखे ना, ये बात जो की कोर कमांडर्स ने भी की, बाजवा साहब ने इनको इनको भी की कि आपकी नाहली की वजह से हमें गालियां पड़ रही हैं। तो लोग जो हैं जानते हैं कि ये ना आए थे हमारी वोट से और ना किसी और के जबर से जाएंगे, ये अपने भार पे गिर रहे हैं ना, कुछ डिलीवर नहीं किया। आई वुड नॉट थिंक कि ये शहादत मानी जाएगी अवाम की नजरों में। बहुत शुक्रिया आपके, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया, और हमारी कोशिश और ख्वाहिश होगी कि आने वाले दिनों में आपकी राय हम लेते रहें, हमारे व्यूर्स आपकी अहम कमेंट्री और बामानी कमेंट्री सुनते रहें। और मैं व्यूर्स से एक बार फिर कहूँगा कि द क्विंट पे, मैं यहाँ स्क्रीन पे इसका लिंक भी दूंगा, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल गुल बुखारी का पब्लिश हुआ है, इमरान वर्सेस बाजवा, विल द पाकिस्तान आर्मी फाइनली बी डिफीटेड बाय गवर्नमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।